आपके साथ। आंध्र प्रदेश में पिछले 48 घंटे में 10 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर अपनी जान दे दी। दो अन्य स्टूडेंट्स ने भी आत्महत्या की कोशिश की, हालांकि वे बच गए। आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने बुधवार को 11वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी किए थे। एग्जाम में कम नंबर आने पर और पेपर में फेल होने की वजह से इन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुताबिक इस बार परीक्षा में 10 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। 11वीं में 61% और 12वीं में 72% स्टूडेंट्स पास हुए थे। स्टूडेंट्स के सुसाइड की बढ़ती घटनाओं को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना दर्द साझा किया है। सीजेआई बोले, हाल ही में मैंने दलित छात्र के सुसाइड की खबर पड़ी थी। इस हादसे में मुझे ओडिशा में पिछले साल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आदिवासी स्टूडेंट की सुसाइड की खबर याद आ गई। मेरा दिल इन छात्रों के परिवार के बारे में सोचकर दुखता है, लेकिन मुझे हैरानी ये सोचकर होती है कि आखिर हमारे संस्थान कहां गलती कर रहे हैं। छात्रों को अपनी कीमती जान गंवानी पड़ रही है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के